कि सर एक बार प्लीज आप देखिए, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो ही आप हमारे से काम कराइएगा। तो दीपक जी ने मेरे को सामान दिखाया और दीपक जी का जो नेचर था उस नेचर के कारण ही मैंने सारा सामान लगवाया। और अब नेचर से ज्यादा मेरे को सामान को लेके सेटिस्फेक्शन है, जो इन्होंने सामान लगाया और जो मेरे को चाहिए था मेरी गाड़ी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट थी इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल करके दी। और जैसा बैक माय चैनल दीपक कार सीट पर गाइस, एक बार आज फिर अपने पास आ चुका है, देख सकते हैं ये अपने पास आ चुका है नया वाला वैगनआर 2022 मॉडल, देख सकते हैं ये अपने पास आ चुका है मॉडिफिकेशन होने के लिए। और मॉडिफिकेशन में क्या होगा, फ्रंट से अगर दिखाऊं तो फ्रंट में से फोकलम नहीं लगा हुआ है, तो फोकलम का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि फोकलम कंपनी हमें लगा के देने वाली है। और साथ में अगर साइड प्रोफाइल से बात करें तो इसमें हम अभी कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अंदर की ओर से हमने इसमें खाली म्यूजिक सिस्टम लगाया है जो कि कंपोनेंट पाइनियर का है, कोएक्सल पाइनियर का है, सेट भी पाइनियर का ही रहने वाला है। आज तक आपने ज्यादातर देखा होगा कि एंड्रॉयड ज्यादा लगता है, पर भैया ये जो लग रहा है पाइनियर का ही लग रहा है। 7 इंच का डिस्प्ले है और टच में है, काफी तक इसका जो आउटपुट होता है पाइनियर का मुकाबला तो कोई एंड्रॉयड कर ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो पाइनियर का सेट दिखाने वाला आपको किस तरीके से लग रहा है सब दिखाऊंगा आपको मैं, तो देख सकते हैं। साथ में प्रोफाइल्स में अगर दिखाऊं तो आपको अलाविल हमारा चेंज हो चुका है, जो टायर भी अपोलो का लगा हुआ है, अपोलो का टायर है, ये भी अलाविल आपको मेरे पास मिलने वाली है। अगर आपका रिक्वायरमेंट हो तो अलाविल अपने पास मिल सकता है, टायर भी अपोलो का इसमें लगा चुके हैं हम। और साथ में अगर अंदर की प्रोफाइल्स से हम दिखाएं तो अंदर आपको चेकआउट कराता हूं। तो और अंदर की ओर से मैं दिखाऊं तो आपको देख सकते हैं कि अपना खुलना स्टार्ट हो चुका है, दरवाजा ऑलरेडी खुल चुका है, ये देख सकते हैं इधर का भी दरवाजा खुल चुका है। और साथ में जो हम कॉम्पोनेंट इंस्टॉल करें देख सकते हैं पाइनियर का जन्म रहने वाली है, देख सकते हैं ये कॉम्पोनेंट कोएक्सल है और ये अपना देख सकते हैं एम्पलीफायर, मिनी एम्पलीफायर जिसे कहते हैं या कुछ भी कह लीजिए, मगर ये आपको नॉर्मली है। और साथ में देख सकते हैं कंपोनेंट जो क्वालिटी अपना पाइनियर का ये ओरिजिनल ये वैल्यू आने वाली है, ये अपना पाइनियर का कंपोनेंट है जो अपना चारों दरवाजे में पाइनियर का कंपोनेंट लगना है। पीछे जो ट्रे देख रहे हैं आप ट्रे, वो ट्रे निकल के इस पे हमारा ओवल लगने वाला है 6x9 का। तो ये देखिए सर पाइनियर का जो अपना ओवल दिखाया आपको ये इस तरीके से 400 वाट का ओवल है, और इसमें अपना जो लगने वाली है ट्रे पे, ये ट्रे अगर हम चाहें तो इसमें कटिंग करके लगा दें, मगर ये ट्रे हटा देंगे क्योंकि लक्कड़ का ट्रे लगाएंगे तो आवाज भी अच्छा खासा बनेगा। पीछे जो टायर है देख सकते हैं ये कंपनी का टायर लगा हुआ है, जेके का टायर लगा हुआ है, यही हमारा लगा हुआ है। और साइड प्रोफाइल्स में जो हमने टायर लगाया था वो आप देख सकते हैं कि अलॉयबल के साथ कितना लुक आ रहा है, देखिए लुक देख सकते हैं ना, काफी तक बहुत ही जबरदस्त लुक है। और अपना ये गाड़ी का प्रोफाइल साइड से इस तरीके से है, तो अपने काम सारा कहाँ हो रहा है देख सकते हैं आप, ये अपने कार एसेसरी पे करोलबाग, जिसका लोकेशन आपको मैं बताऊं तो 16/15 WERS समाज रोड करोलबाग। और अपना देख सकते हैं बगल में जस्ट महिंद्रा फर्स्ट चॉइस है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, आपको लास्ट तक वीडियो दिखाने वाला हूँ। पीछे की ओर से दिखाऊं मैं तो इसमें टायर भी देख सकते हैं काफी हद तक बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है और बहुत जबरदस्त वाली लुक आ रहा है। सामने देख सकते हैं ये अपना टायर का लुक जो है ना बहुत ही बढ़िया, अलॉयबल तो आपको ब्लैक पे और वाइट गाड़ी है तो ब्लैक अलॉयबल काफी हद तक बहुत ही बढ़िया दिखने वाली है। साथ में अगर बात करें पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर का, अगर बैक की ओर से बात करें तो रिफ्लेक्टर अपना इसमें इंस्टॉल हो चुका है जो कि इसका निकल चुका है और निकल के मैं साइड में डाल दिया है। ये इसमें लाइट वाले रिफ्लेक्टर लग चुका है और कुछ देर में आपको मैं चेकआउट कराने वाला, साथ में जला के चेक कराऊंगा कि इसका रोशनी कैसा है, रिफ्लेक्टर का वजह क्या है लगाने का वही बताऊंगा आपको सब साफ सी बात। और ये देखिए पीछे की तरफ से अगर दिखाएं आपको तो इसमें फिल्म हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जो फिल्म लगाया जा रहा है। साइड की ओर से अगर बात करें साइड में तो देख सकते हैं, साइड में दिखाएं तो पाइनियर का देख सकते हैं आप चेकआउट चेक कर पा रहे होंगे, पाइनियर का ओरिजिनल टूटर जो लगा है हमने इसी के ऊपर लगाया है, इसमें 2 सेट कंपोनेंट लगा है। और पीछे की ओर से डैम्पिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, इसमें फर्श मैटिंग भी देख सकते हैं हो चुका है। ये देखिए अगर दिखाएं आपको साइड अंदर की ओर से तो इसमें हमने फर्श मैटिंग कर दिया है। फर्श मैटिंग के फायदे बताऊं आपको तो मैं, इसमें आपका लिक्विड वगैरह कुछ भी गिर जाए कपड़ा मारो साफ, इसे घर में नॉर्मली फर्श होता है वैसे आप क्लीन कर सकते हैं इसे। साथ में अगर मैं दिखाऊं तो इसमें कॉम्पोनेंट फ्रंट की ओर से जो लगा है वो कुछ इस तरीके से फिटिंग हुआ पड़ा है। इसका टूटर का बात करें तो टूटर देख सकते हैं फ्रंट में ऊपर की तरफ से आएगा, जो अपने दरवाजे के पैनल देख सकते हैं आप, ये दरवाजे रखा हुआ है तो ये छोटा सा जो ऑप्शन दिख रहा होगा जस्ट इसके ऊपर टूटर इंस्टॉल होने वाली है। और सिस्टम जिसमें लगने वाले सिस्टम तो आपको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, सिस्टम
सिस्टम कौन सा इंस्टॉल होने वाली है, तो ये पायनियर का जैनवर सिस्टम रहने वाली है। ये कुछ सिस्टम इस तरीके से है, ये देखिए सिस्टम इस तरीके से है। तो पूरा फिटिंग होने में काफी अभी टाइम लगेगा थोड़ा, तो वो मैं दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो जैसे मैं दिखा रहा था आपको कि अपने पीछे की तरफ से रिफ्लेक्टर लगते हुए, तो ये रिफ्लेक्टर का अपना कुछ रिस्पॉन्स है कुछ इस तरीके से आया, वो देख सकते हैं रिस्पॉन्स जो है इस तरीके से आया। साथ में पीछे की ओर से अगर मैं दिखाऊं तो इसमें हमने जेड ब्लैक शीशा कर दिया है, और जेड ब्लैक करने के बाद इसमें शीशा का जेड ब्लैक हो गया है। और अगर साइड प्रोफाइल से दिखाऊं तो दरवाजा पूरा हो चुका है पैक, ये देख सकते हैं दरवाजा पूरा हो चुका है पैक। साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं फिल्म इसमें पीछे जो है ऑलरेडी लग चुकी है, तैयार हो चुका है, देख सकते हैं पीछे फिल्म लग चुका है, और आगे की ओर से फिल्म लगना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं फिल्म अपना कटिंग भी हो चुकी है, हर चीज कटिंग होने के बाद फिल्म लग रहा है। और अपना एड्रेस जो है वो तो पता ही है आपको, देख सकते हैं कहाँ पे एड्रेस है अपना। और सिस्टम का जो अपना फिटिंग है वो मैं दिखा देता हूँ कुछ देर आपको। फ्रंट डोर में अपना कंपोनेंट लग के कुछ तैयार हो चुका है। अगर टूटर का बात करें तो टूटर पीछे की रो में मैंने दिखाया था आपको कि पीछे लगा था, मतलब इसमें जो मैं टूटर लगाया है देख सकते हैं साइड में लगाया है टूटर, ताकि इसका लुक भी जो है काफी हद तक अच्छा है। पाइनियर का लोगो भी दिख रहा होगा आपको। और सिस्टम की बात करें तो पाइनियर का सिस्टम अपना फिटिंग होना स्टार्ट हो चुका है, साथ में देख सकते हैं अपना पूरा खुला हुआ है। और कैमरा भी इसमें लगाया है, वो मूविंग कैमरा लगाया है, थेंस का कैमरा रहने वाली है। इसमें LED वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है, LED का रिक्वायरमेंट बनेगा तो उसका वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको साथ में। तो ये अपने पाइनियर का सिस्टम देख सकते हैं, कुछ लग के इस तरह तैयार हो रहा है, और प्रॉपर कुछ लोगों जो है ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके का पाइनियर का। तो आउटपुट का मामले में देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से लग चुका है, और फिटिंग भी देख सकते हैं कि आप यहाँ तक फिटिंग भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी तक बहुत ही बढ़िया फिटिंग आया हुआ है। तो प्रॉपर आपको मैं हूँ आवाज़ अभी चेक कराने वाला, आवाज़ भी चेकआउट कराऊंगा कि आवाज़ कैसा बना हुआ है। तो गाइस आपने बहुत ही बेस्ट टू लग के आवाज़ सुना होगा कि आवाज़ कितना अच्छा आता है। और एम्प वगैरह जो कंपोनेंट कहीं अगर लगाते हो आप, तो खास कर कहता है कि पहले एम्प लगाओ फिर कंपोनेंट लगाओ, ठीक ना, क्योंकि एम्प और कंपोनेंट अगर एम्प कंपोनेंट लगाओगे तो पहले बोलेगा कि एम्प लगाइए, एम्प लगाने पर आवाज अच्छा आएगा, फिर बेस ट्यूब लगाइए, ठीक ना, ये सब बताया जाएगा। मगर हमने जो लगाया है इसमें पाइनियर का जैनमर सिस्टम लगाया है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, और इसमें जो हमने कंपोनेंट लगाया पाइनियर का ही है, देख सकते हैं पाइनियर कंपोनेंट हिसाब से यहाँ लोगो भी दिखेगा आपको, और खुलते हुए भी पाइनियर कंपोनेंट दिखाया था आपको मैं। इसमें जो पीछे जो हमारा लगा है वो कोएक्सल लगा है, पीछे का भी कुछ लुक आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये गाइस पीछे की तरफ अपना CNG देख सकते हैं, ये CNG लगा हुआ है, CNG का पूरा किट लगा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने इंस्टॉल किया है ना वो पाइनियर का देख सकते हैं, ये पाइनियर का अपना कुछ अंधेरा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अगर फ्लैश लाइट का यूज करते हैं। ये पाइनियर का अपना पीछे की तरफ स्पीकर लगा हुआ है ट्रे पे, जो कि काफी हद तक बहुत ही बढ़िया सराउंड ही बनने वाली है। और आवाज के मामले में चेकआउट कराऊंगा तो आवाज आपको मैं चेक कराने वाला पूरा तरीके से, कैमरे का रिस्पॉन्स भी दिखाऊंगा, कैमरे का रिस्पॉन्स क्या हुआ है वो सब चेकआउट कराऊंगा। और आवाज जो कहते हैं कि बिना बेस ट्यूब का आवाज, वो आवाज इसमें निकाला गया बिना बेस ट्यूब का, बहुत ही बढ़िया आवाज निकाला है और बहुत ही तरीके का आवाज है बिना बेस ट्यूब का। तो आप देख सकते हैं आप ये पीछे की तरफ से रिफ्लेक्टर भी आपको चेकआउट करा दिए हैं, साथ में दिखाते हैं आपको इसका आवाज। कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं आप काफी हद तक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर कैमरा है। और साथ में जिसका आवाज का क्वालिटी है वो मैं हूँ आपको चेक कराने वाला, देख सकते हैं कि आवाज कितना जबरदस्त आने वाला है इसमें। तो ये देखिए आवाज, हो चुका है अपना कैमरा बंद, आपको आवाज क्वालिटी मैंने चेक करा दिया है। साथ में वो कस्टमर जो हमारे पास आए थे उनसे पूछते हैं कि उनका कहना क्या है और कैसा काम लगा, किस तरीके से काम लगा। तो गाइस जैसे मैं बताया था आपको, वेगनार आपको पूरा दिखाई चुका हूं, तो हमारे जो ऑनर हैं ये हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये काम कराने आए हैं कैसा इनको काम लगा, और मतलब क्या इनका रिस्पॉन्स है कि हमारे पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए, काम कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, पूरा बताएंगे। भैया पहले तो बताइए अपना नाम, बताइए क्या नाम। मेरा नाम अक्षय है जी। भैया कहाँ से आप? मैं भवाना से आया हूँ। अच्छा, और मैं दीपक जी के पास आया जी,
तो मैं करोल बाग मार्केट में घूम रहा था एसएसटीज लगवाने के लिए, अपनी कार रेडी कराने के लिए जी। बट मेरे को दीपक जी ने रोका कि सर एक बार प्लीज आप देखिए, अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो ही आप हमारे से काम कराइएगा। तो दीपक जी ने मेरे को सामान दिखाया और दीपक जी का जो नेचर था उस नेचर के कारण ही मैंने सारा सामान लगवाया। और अब नेचर से ज्यादा मेरे को सामान को लेके सेटिस्फेक्शन है, जो इन्होंने सामान लगाया और जो मेरे को चाहिए था मेरी गाड़ी के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट थी इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल करके दी। और जैसा मैं गाड़ी चाहता था उससे 19 की बजाय इन्होंने 21 ही करके दी। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दीपक जी को और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप एसेसरीज की रिक्वायरमेंट है या कार के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करानी है सो प्लीज़ एक बार दीपक जी के पास विजिट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि गाड़ी के अंदर आप लाएंगे कुछ और आपकी गाड़ी को बना के कुछ और भेजेंगे। दीपक जी क्योंकि आप सुन लिए हैं कि मतलब रिस्पांस क्या है, बहुत ही बढ़िया मेरे लिए बोले हैं ये, और मैं अपने लिए बुलवाया नहीं भैया, इनको जो अच्छा लगे हैं वो यही बोले हैं। और बहुत ही बढ़िया काम भी जो भैया अभी कराया ना, अभी देखो क्या चल रहा है कि नॉर्मली आपको अभी एंड्रॉयड चल रहा है और एंड्रॉयड में आवाज की आवाज सुन सकते हो कि आवाज थोड़ा उसका आउटपुट थोड़ा कम होता है, एंड्रॉयड कोई भी एंड्रॉयड लगाओ तो आउटपुट कम होता है, बाकी एंड्रॉयड लुक अच्छा होता है। पर इसका आवाज जो सुनाया भैया को मैंने, खाली नॉर्मल बेस ट्यूब नहीं लगाया इसमें, खाली स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर पर जो आवाज सुना है आपको, आप भी सुन सकते हो कि आवाज कितना बढ़िया आवाज बनाया है। और हेडफोन का यूज करके आवाज सुनेंगे ना तो पिक्चर आवाज का क्वालिटी जो है वो आपको काफी हद तक बहुत ही बढ़िया लगेगा। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।